हाय माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ आशुतोष राणा। आज अपने आपके इस फेवरेट चैनल पे मैं लेकर आया हूँ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में, आज हम लोग जानने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आपको पता होगा कि अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं तो इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? ऑटोट्रॉफिक था, क्योंकि ये अपना फूड खुद बना रहे थे। अब देखना बाबू, ग्रीन प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? ऑटोट्रॉफिक। और ये क्या थे? तो ऑटोट्रॉफ्स थे, जो कि मैंने अपने सेकंड लाइफ प्रोसेस के सेकंड वीडियो में या थर्ड वीडियो में शायद मैंने आपको बताया था। आज हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये अपना फूड कैसे बनाते हैं, किस प्रोसेस से बनाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो आज हम लोग इसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस वही प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस है क्या? हालांकि आप लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते होंगे ऑलरेडी, ये बहुत ही कर सकते हो, सेवन क्लास में भी स्टडी करना था, बचपन में भी आपने पढ़ा था, सिक्स में भी, मतलब सिंपली कर सकते हो कि फोटोसिंथेसिस बहुत सिंपल है। लेकिन हम लोग इसके बारे में थोड़ा और डीपली जानेंगे, स्टडी करेंगे डीपली। तो फोटोसिंथेसिस, यहां पे ये फोटो है, यहां पे जो फोटो है, आपको मेरा फोटो दिख रहा होगा लेकिन ये मैं अपना फोटो का बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे जो आप ये फोटो देख रहे हो PHOTO वाला, ये फोटो का मतलब होता है लाइट, जिसको आप करते हो प्रकाश। और ये जो सिंथेसिस है इसका मतलब होता है टू मेक, मतलब कुछ बनाना। तो फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू मेक, मतलब यहां पर कुछ बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, किसके में से? तो ये तो पता चल रहा है कि भाई यहां पे कुछ बनाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ लाइट, यही है फोटोसिंथेसिस। लेकिन हम लोग जानते हैं सबसे पहली बात, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स, मैं आपको डिफिनेशन बोल ही दूंगा, लिखाऊंगा नहीं, टाइम बहुत किल होता है लिखवाने में। फोटोसिंथेसिस क्या है? तो द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ये वह प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हो आप लोग, प्लस H2O, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो मैं क्या कह रहा था, फोटोसिंथेसिस क्या है? तो द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ये वह प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब ये किस फॉर्म में बनाते हैं? तो C6H12O6, जिसे आप लोग कहते हो ग्लूकोज, ये है क्या? ग्लूकोज। दैट मीन्स प्लांट्स अपना फूड किस फॉर्म में बनाते हैं? तो ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं, जिसे आप कहते हो C6H12O6। और यहां फोटोसिंथेसिस के दौरान जो गैस रिलीज होता है वो आपका O2 है, जिसे आप कहते हो ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के दौरान यही गैस रिलीज होता है जिसे बाय प्रोडक्ट कहा जाता है, कि व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या है? तो यही है ऑक्सीजन। आप देख रहे होंगे यहां पे एक एरो का निशान है जो कि ऊपर की ओर जा रहा है, इसे ये पता चल रहा है कि ये गैस फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज हो रहा है। और आप जान लो ग्लूकोज के बारे में कि ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट, ये ग्लूकोज जो है ये एक तरह का सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, मतलब एक तरह का सिंपली वे में कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो ये कार्बोहाइड्रेट वैसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो बना ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कंपाउंड आप जानते हो जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का बना हो, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो बना होता है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, CHO, C4 कार्बन, H4 हाइड्रोजन, O4 ऑक्सीजन। ये फॉर्मूला है किसका? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि ये भी बना हुआ है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तुम लोग फिर से एक बार इसे रिविजन करते हैं, इसका इसके बारे में जानते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? तो द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, यही फूड है, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल, इसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, या सिंपली वे में आप कह सकते हो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल।
तो ये था फोटोसिंथेसिस, मतलब सिंपली कह सकते हो प्लांट्स के फूड बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। चलो ये तो सिंपल था, तो हमने क्वेश्चन देखा, अब इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन जानते हैं। ये तो सिंपल वे में हम लोगों ने जान लिया कि फोटोसिंथेसिस क्या है। अब कुछ क्वेश्चन है कि बाई प्रोडक्ट क्या होता है इसका भाई, व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसका बाई प्रोडक्ट होता है O2, मतलब ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है आपका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बाय प्रोडक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या एक नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बाय प्रोडक्ट क्या है। तो O2 है, इसको बैलेंस में कर देता हूं, आप लोग बैलेंस तो जानते ही होंगे। अब देखना तो बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, O2। अब आता है कि आखिर ये फोटोसिंथेसिस होता कहां है, तो जहां ये होता है उसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। फोटोसिंथेटिक ऑर्गन क्या है, तो हम इसे लीफ कहते हैं, लीफ पत्ता। फोटोसिंथेटिक ऑर्गन यही है क्योंकि यहीं पे होता है फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये तो हम लोग जानते हैं कि लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए लीफ को किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। लीफ को क्या कहा जाता है, किचन ऑफ द प्लांट। जिस तरह से आपके घर में आपके मम्मी या फिर आप भी खाना बनाते हो, घर में खाना जहां बनता है उसे हम लोग किचन कहते हैं, ठीक उसी तरह से प्लांट में जहां खाना बनता है उसे भी किचन कहते हैं। तो किचन ऑफ द प्लांट है क्या, लीफ, क्योंकि प्लांट अपना फूड जनरली मोस्टली यही प्रिपेयर करता है लीफ में। अब सवाल आता है कि चलो लीफ में तो हो रहा है, लेकिन अगर एक और क्वेश्चन है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट में हम कह सकते हैं यार कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो फोटोसिंथेसिस एग्जैक्ट कहां हो रहा है लीफ में, तो वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मैं जिक्र करूंगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्लोरोप्लास्ट। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो फिर से मैं क्वेश्चन, व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन। फोटोसिंथेटिक ऑर्गन क्या है, लीफ है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, मतलब लीफ में एग्जैक्ट फोटोसिंथेसिस किसके कारण हो रहा है, कहां हो रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट में, जो कि आपने क्लास 9 में प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड में आपको बताया गया था क्लोरोप्लास्ट के बारे में, मैं तो नहीं बताया हूं, लेकिन आपको, आप जहां भी पढ़े होंगे आपको बताया गया होगा। तो ये था सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। अब एक तो ये है भाई कि प्लांट किस फॉर्म में फूड बनाता है, तो ये तो सिंपल है, ग्लूकोज। अब क्या छोड़े, इस प्रोसेस के दौरान, फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि सोलर एनर्जी जो है, ये तो आप जानते हो कि सनलाइट के मदद से, सोलर एनर्जी की मदद से ही फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि हमारा जो सोलर एनर्जी है, ये जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है, ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। सिंपली कह सकते हो कि फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसमें हमारा सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में। सिंपल वे में आप कह सकते हो केमिकल एनर्जी, सिंपल कि फोटोसिंथेसिस के दौरान किस एनर्जी का कन्वर्सन होता है, तो सोलर एनर्जी का। अगर क्वेश्चन आपसे कहे कि किस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो सोलर एनर्जी का, वो ट्रांसफॉर्म होकर किस एनर्जी में बदल जाता है, तो सिंपल केमिकल एनर्जी। तो ये था फोटोसिंथेसिस, जो कि हमने सिंपल वे में इसके बारे में स्टडी किया। मैं आपको फोटोसिंथेसिस का नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आपका वीडियो छोटा हो, कि आप आसानी से देख सको। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।